तो ये माँ का और पैर पैर जलने लगे, जबरदस्त तरीके से जलने लगे। So good morning everyone and welcome to my channel Nishant Trivedi Vlogs and आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे एक नए नवेली जर्नी की और मैं हूँ अहमदाबाद में और हम करने वाले हैं रोड ट्रिप। सो स्वागत है आपका इस जर्नी में और अलग अलग किरदार के साथ मिलेंगे और टाइम हुआ है अभी मॉर्निंग के 3:37। सो लेट्स जस्ट गेट रेडी, बम्प अप, हैव अ सिप ऑफ कॉफी एंड स्टार्ट अवर जर्नी। फाइनली हमारी जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है और ये जो जर्नी है वो रोड ट्रिप रहने वाली है और रोड ट्रिप है टू मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश में सबसे पहला हमारा जो लोकेशन होगा वो रहेगा भोपाल, लेकिन अभी भोपाल तक की जो जर्नी है वो हम आपको दिखाएंगे। और नमो, यू सेट? नमो इज ऑल सेट। अहमदाबाद छोड़ के अच्छा लगा था, गर्मी गई, अब देखते हैं अगर वहाँ पे अगर हमें बारिश मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन जो वेदर होगा वो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। और अभी इस वाली जर्नी में हमारे साथ है हसमुख भाई। हसमुख भाई जो है वो इस जर्नी में हमारे साथ रहने वाले हैं और बस आप एंजॉय करो रोड्स के शॉट्स और आपको मिलते हैं अगर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो ये है पहला टोल जहाँ पे हम रुके हैं। परफेक्ट वेदर है, मतलब मज़ा आने वाला वेदर है। और बस अभी हमारी जो ड्राइविंग है वो चल रही है, दोनों भाई एक ही चेंज करते रहते हैं ड्राइविंग सीट और बस आराम आराम से जा रहे हैं, इतना कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आई थिंक अभी और 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो अभी डिसाइड ये हुआ है कि हम जा रहे हैं, सबसे पहले हम जा रहे हैं इंदौर और इंदौर जाके आपको बता दें कि अभी नेक्स्ट स्टॉप जो है वो कौन सा रहने वाला है। अभी ये सबसे डेंजरस वाला घाट जो है वो आ रहा है। यहाँ पे जो रात को ड्राइव करना यहाँ पे सेफ नहीं है, अभी देखते हैं कि कैसा सिचुएशन है अभी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन रात को सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती है। तो अभी ये है मछलिया घाट जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वाला ट्रैफिक होता है, रात को सेफ नहीं होता है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे ट्रैफिक है। अभी यहाँ से व्हीकल आ रहा है और ये है मछलिया घाट, मतलब घाट सेक्शन आगे आएगा, ऊपर वो जो है वो घाट सेक्शन है और यहाँ पे देख रहे होंगे अभी हम यहाँ पे हमारा ट्रैफिक जो है वो निकल है। यहाँ पे बात कर रहे हैं ये मछलिया घाट के बारे में कि यहाँ पे जो किस्से जो है वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे हसमुख भाई के पास एक किस्सा है सुनाने के लिए। हाँ तो हसमुख भाई बताओ। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसे इंसान बैठे हैं कि
कि यहाँ पर जो इस साइड आपको खाई दिख रही है, हाँ, वो खाई में सपोज कोई ट्रक या कुछ भी फंस जाता है तो समझो दूसरे दिन तो गायब ही हो जाता है पूरा ट्रक। इधर लोग इस साइड पहाड़ है उस पर वेंचर की तरह बैठते हैं वन बाय वन, ओके, 50 से 60 जने एक साथ बैठते हैं, ओके, और वो अंधेरे की राह देखते हैं कि अंधेरा कब पड़े। जैसे अंधेरा पड़ता है वैसे ही वो ट्रक के टायर सब पार्ट्स अलग अलग करके उनको सब पिघला देते हैं रात को भट्टी में, और पूरा दूसरे दिन तो ट्रक का नामो निशान खत्म हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारी भट्टी होती है उनके पास, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम मछलिया घाट पे चल रहे हैं अभी रात को, यहाँ पे अभी भी डेंजरस है चलाना। तो अभी हम ये रतलाम चौक पे आ गए सोनू रेस्टोरेंट, अभी कुछ खाना बना खाएंगे। अभी हमारे पास है पोहा मेरा फेवरेट, और ये है हमारी ब्लैक कॉफ़ी। टेस्ट करके बताना कैसा कैसा दिखता है, ज़बरदस्त है ना, एकदम स्पाइसी है ना। तो अभी हम महाकाल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अभी हम दर्शन करेंगे, लेकिन जो धूप है वो ज़्यादा है, लेकिन जो घूमने का मज़ा है वो तो बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। सफ़रनामा शुरू है और सफ़रनामे का पहला मंजिल हमारा ये ज्योतिर्लिंग मंदिर। तो ये महाकाल और पैर जलने लगे हैं, जबरदस्त तरीके से जलने लगे हैं। आप देख सकते हो पूरा जो पूरा मंदिर की जो लाइन है वो पूरी खाली है अभी। तो ये है पूरा मंदिर, आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो अभी जो दर्शन है वो हो चुके हैं। हसमुख भाई कैसे है दर्शन? जोरदार दर्शन में मज़ा आया आप लोग? हाँ, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अभी हमने VVIP दर्शन जो है वो अभी हमने कर दिया, और बस अभी गाड़ी उठाएंगे और जाएंगे टू द नेक्स्ट लोकेशन। लेट जस्ट गो। दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि क्या बताओ यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और बस अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे मेंबर्स का, जैसे ही आते हैं तो तुरंत ही हम निकल जाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं राजघाट, और राजघाट का जो नज़ारा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो कुंभ का जो मेला होता है वो बेसिकली यहाँ पर होता है। अभी काल भैरव मंदिर जो है वहाँ पे भी दर्शन जो है वो हो चुके हैं। तो अभी जो दर्शन वाला जो काम है, जो मेन वाला काम था, वो अभी हो चुका है। और अभी आपको गेस करने का है कि अभी हम नेक्स्ट कौन सा लोकेशन जो है वहाँ पे जाते हैं। और वैसे तो वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन क्या करें, अभी जो मतलब
कंटेंट है वही इतना ज़्यादा हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। अभी यहाँ पे मौसम थोड़ा अगर थोड़ा ठंडा होता ना तो बहुत ज़्यादा और अच्छा लगता, क्योंकि यहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, धूप थोड़ी ज़्यादा है। और अगर मैं आपको टाइमिंग की बात करूँ तो 3 बजे है, 3 o'clock, एंड ये सफ़रनामा जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है। और मैजेस्टिक MP जो है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उज्जैन देवास रोड पे है और बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, शाम के 4 बजे हैं और हम यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मसाला पापड़ से, रहा नहीं जा रहा है तो जल्दी से खा के फिर आपको मिलते हैं। तो आप जब भी उज्जैन देवास रोड पे आओ तो ये जो होटल है वो याद रखना, ओम साई, और यहाँ पे जो खाने का है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। आप ये होटल देख सकते हो, बहुत ही खाना था। अभी एनर्जी फिर से वापस आ गई है, बहुत कंटिन्यूसली ड्राइविंग चल रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है उज्जैन देवास का जो रोड है वो है स्टेट हाईवे है। इतना मतलब रोड इतना बड़ा नहीं है, लेकिन द थिंग्स आर गोइंग गुड। हमारा जो पेट्रोल है वो रिफिलिंग हो रहा है, अभी आई थिंक 37 लीटर पेट्रोल जाएगा। अमेजिंग सनसेट इज हैपनिंग। और यहाँ पे सामने बाजार है, ये सामने देखो बाजार है, चौपाटी टाइप बाजार है सामने, आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं होटल में, और ये है भोपाल का होटल का रूम टूर मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे बेड, डबल बेड जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पे बैठने के लिए दिया हुआ है, TV है और यहाँ पे एयर कंडीशनर है। तो दोस्तों अभी वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बहुत ही ज़्यादा थके हैं आज, और लेट्स सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टाटा बाय, सी या एंड हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड।